आप देख रहे हैं TNB। देश की राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन के बीच गलती से भी अगर आपने पुरानी गाड़ी लेकर निकले तो आपको भारी भरकम जुर्माने की राशि अदा करनी पड़ सकती है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में दिल्ली पुलिस ने अब तक 2200 लोगों का चालान काटा है और 20,000 तक का जुर्माना लगाया गया है। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए पुलिस भी एक्टिव मोड में आ गई है। दिल्ली पुलिस ने बढ़ते प्रदूषण और वायु गुणवत्ता के बिगड़ते स्तर के मद्देनजर रविवार को 2200 लोगों के चालान काटे। मोटर वाहन अधिनियम के तहत दिल्ली में गैर जरूरी सामग्री ले जाने वाले पुराने डीजल पेट्रोल वाहनों और ट्रक को चलाने पर 20,000 रुपए का चालान है। GRAP 4 के तहत दिल्ली में अन्य राज्यों में सिर्फ CNG, इलेक्ट्रिक और BS4 वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी गई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में 6,757 वाहनों को रोका गया और 2,216 वाहनों का चालान किया गया। इनमें से 1,024 वाहनों के पास प्रदूषण नियंत्रण नहीं होने की वजह से 217 चालान BS3 वाहनों और 975 चालान BS4 वाहनों के काटे गए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट दी गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेश के अनुसार आवश्यक सेवा में शामिल नहीं होने वाले सभी मध्यम और भारी माल वाहनों पर भी राजधानी में प्रतिबंध लगा दिया गया है। अक्टूबर में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बिना PUCC वाले 17,989 वाहनों के चालान काटे थे, जबकि बिना ढके रेत धूल ले जाने वाले 58 ट्रकों के चालान, पुराने डीजल पेट्रोल वाहनों जो कि 15 से 10 वर्ष से अधिक हो चुके हैं 31 वाहनों के चालान काटे गए थे। दिल्ली NCR में प्रदूषण का कहर जारी है और ऐसे में दिल्ली सरकार ने इस पर काबू पाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। 13 अक्टूबर से राजधानी में ऑड इवन लागू किया गया है, उधर पुलिस ने भी सख्ती बढ़ा दी है। समाचार एजेंसी के मुताबिक एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि दिल्ली के 20 प्रमुख बॉर्डर हैं, जिनमें राजकोरी, कापसहेड़ा, बदरपुर, कालिंदी कुंज, टिकरी, औचंदी, भोपुरा, अप्सरा, चिल्ला, सिंघू शामिल है। सभी बॉर्डर पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है। अधिकारी ने बताया कि हम GRAP 4 के तहत निर्देशों को लागू कर रहे हैं और गैर निर्धारित वाहनों को वापस भेजा जा रहा है। हालांकि आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों को अनुमति दी जा रही है। उन्होंने बताया कि शहर में 13 स्थान ऐसे हैं जहां अत्यधिक प्रदूषण है, इसलिए हमने अपने कर्मचारियों को वहां तैनात किया है। अतिक्रमण और अनधिकृत पार्किंग के खिलाफ दिल्ली नगर निगम यानी कि MCD के साथ संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। हमने अपने कार्यक्रमों को व्यस्तम समय के दौरान भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में तैनात किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यातायात की आवाजाही प्रभावित न हो। अब देखना दिलचस्प होगा कि इतनी बड़ी संख्या में जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस चालान काट रही है, तो क्या दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल कम होता है या फिर नहीं। बाकी ऐसे खबरों में अपडेट बने रहने के लिए देखते रहिए TNB, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल TNB को सब्सक्राइब करना ना भूलें।